हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ नंदिनी नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है आज से एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि था एमनियोटिक फ्लूड के ऊपर तो एमनियोटिक फ्लूड क्या होता है क्या उसके फंक्शंस होते हैं कैसे वो बनता है कितना एमनियोटिक फ्लूड होना चाहिए ओवरऑल मैंने सारी चीजें उस वाली वीडियो में कवर कर ली थी बट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अब लगा कि ये चीज भी एड करना चाहिए एमनियोटिक फ्लूड वाले टॉपिक में कि एमनियोटिक फ्लूड की एबनॉर्मलिटीज क्या क्या होती हैं तो उसी के बेस पर उससे थोड़ा आगे के पॉइंट्स को कवर करते हुए आज का ये वीडियो है जो है एमनियोटिक फ्लूड की एबनॉर्मलिटीज़ के ऊपर फ्रेंड्स जब भी कोई लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट है तो उसे डॉक्टर दो तीन चीज़ों के बारे में बताते हैं एक तो डिस्कस करते हैं कि आपका ए चेक करना है यानी कि एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स चेक करना है तो ये ए क्या होता है क्यों चेक किया जाता है ए से क्या कनेक्शन हो सकता है बच्चे का और मदर का

एमनियोटिक फ्लूड क्या होता है जनरली जो बेबी है वो जिस फ्लूड के सराउंडिंग होता है एमनियोटिक कैविटी होती है उसके अंदर पानी भरा होता है उसमें बच्चा होता है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है तो वही होता है एमनियोटिक फ्लूड डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए आपको पहली वाली वीडियोस को वॉच करना बहुत जरूरी है इसके बाद इस वीडियो को आप समझ पाएंगे एमनियोटिक फ्लूड की एबनॉर्मल्टीज दो होती हैं एक होती है ऑलिगोहाइड्रोम्योस एक होती है पॉलीहाइड्रोम्योस कलर चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है क्या देखा जा सकता है ये मैंने उस वाली वीडियोस में बता रखे हैं कि आपका एम्योटिक फ्लूड का कलर क्या इंडिकेट करता है कौन सा कलर नॉर्मल है और कौन सा कलर आपके हाई रिक्स को शो कराता है वो चीज़ भी मैंने उसमें बताया है तो आज बेसिकली दो चीज बताऊंगी पॉलीहाइड्रोम्योस और ऑलिगोहाइड्रोम्योस कई बार लेडीज को डॉक्टर ये बोलती है कि आपका ए कम है यानी एम्योटिक फ्लूड इंडेक्स कम है तो अगर कम है तो आपको ऑलिगोहाइड्रोम्योस होता है और अगर आपका ए एफ आई एम फ्लूड इंडेक्स ज्यादा है तो आपको पोलिहाइड्रोम होता है तो क्या ये दोनों ही कंडीशन में बच्चे को खतरा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ए एफ आई का नॉर्मल होना बेहद जरूरी है अब सवाल ये है कि ए एफ आई ज्यादा कैसे हो जाता है अगर बेबी अंदर ग्रोथ कर रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजी समझने की जरूरत है एमनियोटिक फ्लूड एक तरल पदार्थ या एक लिक्विड होता है जो कि शॉक एबजॉब्सन में हेल्प करता है यानी बच्चे को प्रिवेंट करता है एट बर्थ एमनियोटिक फ्लूड का अमाउंट 600 हंड्रेड एम एल टू एट हंड्रेड एम होता है और ये जो एमनियोटिक फ्लूड है ये हर तीन घंटे पे रिप्लेस होता रहता है यानी कि फ्रेश एमनियोटिक फ्लूड बनता है और वापस पुराना वाला चला जाता है बॉडी से बाहर इसका पी एच होता है यानी सेवन पॉइंट टू सेवन होता है इसमें नाइन्टी से नाइन्टी वाटर पाया जाता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिक में जैसे कैरेटिन लिपिड प्रोटीन ग्लूकोज पाया जाता है और इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एमनियोटिक फ्लूड में ग्लूकोज पाया जाता है तो क्या ये ग्लूकोज बच्चे को लगता है या एमनियोटिक फ्लूड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है नहीं एमनियोटिक फ्लूड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता बच्चे को एक स्लीपी और मूव करने के लिए एक इन्वॉमेंट प्रोवाइड करता है सॉक से बचाता है या किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है बट न्यूट्रियन प्रोवाइड नहीं करता एमनियोटिक फ्लूड उसमें जो ग्लूकोज होता है ट्वेंटी परसेंट वो बच्चे को नहीं लगता बच्चे में जो भी न्यूट्रियन पहुँचता है जो भी ग्लूकोज पहुँचता है वो मदर के प्लेसेंटा से पहुँचता है मदर के प्लेसेंटा एंड एम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे को पहुँचता है तो एमनियोटिक फ्लूड वाला न्यूट्रिय बेबी को नहीं लगता स्पेशली ग्लूकोज नहीं लगता है तो जैसा कि ये दो कंडीशन इस वक्त आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है एक साइड है ऑलिगोहाइड्रोम्योस और एक साइड है पोलीहाइड्रोमिन्योस 2000 हजार से ज्यादा हो गया तो हमने बोला पोलीहाइड्रोम 200 सौ से कम हो गया तो हमने बोला अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलता है कि एमनियोटिक कितना है तो जैसा मैंने पहले ही बताया था एफ होता है यानी कि एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स होता है यह एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स तो ये अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जा सकता है कि आपके एमनियोटिक कैबिटी में कितना फ्लूड है एमनियोटिक फ्लूड का नॉर्मल कलर स्ट्रॉ कलर का होता है और ये टर्बिट कलर भी हो जाता है ये वर्निक्स कैसी के कारण होता है पर ये फुल टर्म में होता है कभी कभी किसी लेडीज के अंदर ऑलिगोहाइड्रोमॉस हो जाते हैं इसके क्या क्या रीज़न है यानी एमरोटिक्लूड कम हो जाता है फ्रेंड्स क्या अगर आपके बेबी का किडनी फॉर्मेशन नहीं करता है यूरिन का या अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है या किडनी जो है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ है बच्चे की किडनी में तो वो यूरिन प्रोडक्शन नहीं करेगा और बच्चे की किडनी जब यूरिन प्रोडक्शन करती है तभी एमनियोटिक फ्लूड का फॉर्मेशन होता है क्योंकि बच्चा उसे सोलो करता है और फिर यूरिन के रूप में बाहर निकालता है तो वही होता है एमनियोटिक फ्लूड इफ किडनी अनएबल टू मेक यूरिन ओलिगोहाइड्रोएमनोस देखा जाएगा एंड होता है फीटल रीनल एजेनेसिस। फीटल रीनल एजेनेसिस भी मैंने बताया कि रीनल सिस्टम का प्रॉपर वर्क ना करना रीनल एजेनेसिस कहलाता है या किडनी का प्रॉपर फॉर्मेशन ना होना भी एक रीजन है एमनियोटिक फ्लूइड का ना बनना यानी ओलिगोहाइड्रोएमनोस होने का एंड थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी ये भी सेम है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में यानी कि जहां जैसे जैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये तीन कंडीशन होते हैं मेनली अगर मैं बताऊं तो बच्चे का किडनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि मदर में पॉलिगोहाइड्रोमनोस देखा जा रहा है अगर किसी फीमेल में डॉक्टर ने बोल दिया आपके बॉडी में एमनोटिक्लिट बहुत ज्यादा है यानी दो हजार से ज्यादा हो गया है पॉलीहाइड्रोमनोस है तो उसके क्या क्या रीजन होते हैं अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटिक मोलाइटिस है यानी जी है तो उसके बच्चे में पोलीहाइड्रोम होता है कैसे होता है ये समझते हैं अगर मदर डायबिटिक है तो बेबी बेबी हो जाएगा और जब मिलाइटिसमिक्लाइसिमिक होगा तो पॉलीयूरिया जैसी कंडीशन देखी जाएगी और जब पॉलीयूरिया होगा तो यानी वो बार बार यूरिन करेगा और वो जितना ज्यादा यूरिन करेगा एम्योटिक फ्लूड का अमाउंट उस यूरिन से बढ़ता जाएगा अगर एम्योटिक फ्लूड का अमाउंट बढ़ गया तो वो होगा पॉलीहाइड्रोम तो ये था एक मैकेनिज्म किसका पोलीहाइड्रोम का जीडीएम मदर में यानी जेस्टेशनल डायबिटिक मलाइटस वाली पेशेंट को और हमारा सेकेंड कॉज होता है पॉलीहाइड्रोमॉस का इंसिफेलोपैथी इंसिफेलोपैथी क्या होता है इंसेफेलोपैथी में बच्चे का स्कल का फॉर्मेशन नहीं होता यानी कि वो खुले दिमाग के बनते हैं अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो ब्रेन तो बन जाता है पर उसके ऊपर स्कल का फॉर्मेशन नहीं होता है तो ऐसे फिटस को इंसिफेलिक कहा जाता है अगर बेबी का माल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ए डी एच हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा और जब एडीएच हार्मोन डिक्रीज होगा बॉडी में तो पॉली यूरिया होगा यानी कि बच्चे को यूरिन कंट्रोल करने वाला हार्मोन ही नहीं है ए डी एच जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं हम जो पानी पीते हैं उस पानी को बॉडी में स्टोर करने का काम करती है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन उस वाटर को बॉडी में एब्जॉर्ब करती है और यूरिन के रूप में बना करके बॉडी से कितना पानी को बाहर निकालना है और कितने पानी को शरीर के अंदर रखना है ये कौन सा हार्मोन काम करता है एडीएच करता है पर जो बच्चे एन होते हैं उनमें एडियच हार्मोन डिक्रीज होता है और ऐसे बच्चे बार बार यूरिन करते हैं और इसकी वजह से बच्चे में हो जाता है पोलीहाइड्रोम्योस तो फ्रेंड्स अगर प्रेगनेंसी में अगर आपका ब्लड शुगर ज़्यादा रहने लगा है तो हो सकता है आप में पोलीहाइड्रोम्योस की कंडीशन देखने को मिले और अगर आपका 20 या 22 वीक में ही अगर आपका पोलीहाइड्रोम्योस कंडीशन देखा जाता है तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चे को कोई कोल्जनाइटेड एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है यानी एन जैसी कंडीशन भी हो सकती है तो ऐसे में आपको अनोमली स्कैन या क्रोमोजोमोल स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है ये सारे कराने चाहिए खैर वो आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ही डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि कोई मालफर्मेशन है या नहीं है उसके लिए कोई टेस्ट कराना चाहिए या नहीं बट ये दो रीज़न होते हैं पोली के और ऑलीगोहाइड्रोमिनियोस के जैसा मैंने बता दिया कि बच्चे का किडनी इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ओलीगो के लिए तो फ्रेंड्स कभी भी अगर ऐसी दो कंडीशन आती है बेसिकली जो नॉर्मल मैंने बताया ओलीगो और पॉली उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है मैंने आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी मैं वीडियो के लास्ट में फिर से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको डिटेल से जानना है कि एम नॉट इंक्लूड क्या होता है क्या क्या वर्क करता है तो आप मेरी पहली वीडियो को जरूर देख लें और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं वहाँ पे भी आपका रिप्लाई करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी के जर्नी को स्ट्रेस फ्री रखें फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय